एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है, वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑफ कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1,25,000 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोज वैली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है।
इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा।